पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली रोड स्थित टिमिट सभागार में बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक और देश के जाने माने डॉक्टर अश्विन महाजन मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार में कहा गया कि भारत के विकास के लिए सभी पर भरोसा किया गया, लेकिन अपनी ही नीति के कारण विफल हुई है। देश के अंदर जहां समाजवाद भी फेल हो गया और अब पूंजीवादी धीरे धीरे फेल हुआ है, क्योंकि उसकी कमियां हमारे सामने आ रही हैं। सेमिनार में कहा गया कि ना तो नेता पूंजीवादी ही कुछ कर सकते हैं और ना ही समाजवाद कुछ कर सकता है, इसलिए तीसरे पहलू को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया जाना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के सभी सदस्य मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम किया गया है आज? शंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से श्रद्धेय राजऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है पूरे देश में, उस जन्म शताब्दी के अंदर एक बड़ी यहाँ पर सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अश्विनी महाजन जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। हम लोग जानते हैं मित्रों कि भारत के विकास की एक अपनी ही अलग नीति रही है। इस देश के अंदर जहाँ समाजवाद भी फेल हो गया और अब पूंजीवाद भी धीरे धीरे उसकी कमियाँ हमारे सामने आ रही हैं, तो ऐसे में जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार थे, जिसको उन्होंने तीसरा विकल्प के नाम से उन्होंने समाज को बताया कि भारत के लिए जो आर्थिक नीतियाँ बने वो न तो पूंजीवादी हो न समाजवादी हो, बल्कि भारत की आवश्यकताओं के अनुसार हो, ऐसे विचार देने वाले श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचारों को लेकर आज इस बड़े सेमिनार का आयोजन हुआ है। और हमारे बीच में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरके मित्तल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और साथ ही जाने माने देश के व्यवसायिक और लघु उद्योग भारती के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जनक भाटिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ सभागार में यह इस विषय पर एक मंथन चल रहा है कि भारत की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो आगे कैसे बने, ताकि देश हमारा स्वावलंबी बन सके, परम गौरव के पथ पर जा सके।